हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट भर्ती चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की जो भर्ती चल रही है, बड़ी भर्ती जो ये है, देखिए गवर्नमेंट भर्ती की आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर तीन भर्ती पैरेलल में चल रही है, जिसकी विज्ञप्ति एक साथ रिलीज हुई है स्वास्थ्य भवन से, जिसमें असिस्टेंट रेडियोग्राफर, ARG, दूसरा बात करें अपन लैब टेक्नीशियन, और तीसरी बात करें अपन ANM। ये वाली जो भर्ती है, सिफू जो है वो इस भर्ती को करवा रही है। तो ये जो भर्ती है अभी प्रोग्रेस में है, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, और फॉर्म के बारे में जो सारी डिटेल है वो जो इससे पहले वाला वीडियो है उसके अंदर अपन अपलोड कर चुके हैं, उसके अंदर पूरी चीज़ें डिटेल से बात कर चुके हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके भी बारे में डिस्कस किया जा चुका है उसमें। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो बेटा 29 जनवरी है, ये इसकी लास्ट डेट है। और डेट जो है वो हमेशा थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रूर होती है, तो पीछे तो नहीं होगी, ये डेट आगे ही होगी, 15 डेज आगे हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी भर्ती जब स्टार्ट होती है तो उसमें फॉर्म फिल की डेट हमेशा बढ़ाई जाती है, तो हो सकता है इसकी जो डेट है वो भी थोड़ी बहुत आगे बढ़े, ये अपन मान के चलते हैं। तो आज अपन इसमें बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर जो ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है परसेंटेज बेस पे हो रही है, ये जो भर्ती है ये परसेंटेज बेस पे हो रही है। तो सर जो परसेंटेज कैलकुलेट करे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, भर्ती के हिसाब से अपन जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सर इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है इस भर्ती की वो कितनी जाएगी, सर इससे पहले वाली भर्ती की कितनी कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ के बारे में जो वीडियो है वो अपन जब फॉर्म भरे जाएंगे उसकी लास्ट डेट के टाइम पे अपन रिलीज करेंगे वीडियो, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जनरल की, OBC की, जनरल EWS की, इसके अलावा SC की, ST की कितनी कट ऑफ गई थी, उसके ऊपर वीडियो अपन फॉर्म फिल होने के बाद में करेंगे। आज अपन बात करते हैं परसेंटेज पे, कि जो परसेंटेज है वो इस भर्ती के हिसाब से अपन कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्योंकि अपने को पता है ये जो भर्ती हो रही है वो परसेंटेज के बेस पे हो रही है, तो सब को ये बेचैनी रहती है कि अपनी परसेंटेज कितनी है, अपने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो परसेंटेज की बात करते हैं। तो देखो, जो स्वास्थ्य भवन है उन्होंने दो भागों में इसको डिवाइड किया है परसेंटेज को, 70+30 के अंदर, 70+30 के अंदर इसको डिवाइड किया है बेटा, ठीक है, जिसमें जो आपकी 30% है, 30% मान लो, चाहे मार्क्स मान लो, 30% जो है वो आपके अनुभव के आधार पर मिलेंगे, आपको अनुभव के आधार पर इंक्लूड होंगे 30%। यदि आपका अनुभव 1 साल का है, 1 ईयर, तो आपको 10% मार्क्स मिलेंगे उसके। यदि आपका अनुभव 2 साल का है, 2 साल का है, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, वो मिलेगा 20% का। और यदि 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, जो भी गवर्नमेंट टेंडर बेस पे जो भर्ती निकालती है उस पर यदि आपका एक्सपीरियंस यदि 3 साल का है तो आपको 30% मार्क्स मिलेंगे, यदि आपको 2 साल का है तो 20%, और यदि 1 साल का ही है आपका एक्सपीरियंस तो वो आपको मिलेगा बेटा 10% मिलेगा, ठीक है कि नहीं। ये अनुभव प्रमाण पत्र आप जहां पर काम कर रहे हो वहां से आपको बनवाना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र, जो हॉस्पिटल जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है वही आपको बना के देगा ये अनुभव प्रमाण पत्र, और उसी के बेस पे आपके 30% जो मार्क्स है वो डिसाइड होंगे, ठीक है। बाकी बात करें अपन 70% मार्क्स की, तो ये जो 70% मार्क्स है ये अपने जो एकेडमिक कोर्स होते हैं, एकेडमिक
प्लस ट्वेल्थ, दोनों के एवरेज से निकाली जाएगी बेटा ये 70%, जो निकाली जाएगी वो एकेडमिक प्लस ट्वेल्थ के बेस पे जो आपकी परसेंटेज है उनके एवरेज से निकाली जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो अपन बात करते हैं केवल इस 70% पर, अपन बात करेंगे 30% पर, अपन बात कर चुके हैं कि 30% आपके अनुभव के आधार पर है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है उसमें यदि आपका एक साल का अनुभव है तो 10%, दो साल का है तो 20% और तीन साल का तो 30% आपको बोनस दिए जाएंगे। बाकी बात करें अपन 70% की, तो अब 70% की अकेडमी प्लस 12th क्लास से अपन कैसे एवरेज निकालते हैं परसेंटेज का वो अपन देखते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए अपने यहां पर दो कोर्स चल रहे हैं, एक चल रहा है डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है और दूसरा जो चल रहा है वो अपने पास में डिग्री कोर्स चल रहा है बेटा, एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है और दूसरा अपने पास में डिग्री कोर्स चल रहा है। अपने को पता है जो डिप्लोमा होता है वो दो साल का होता है, आरपीएमसी तीन साल चार साल में करवा रही उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर डिप्लोमा दो साल का होता है और डिग्री थ्री ईयर की होती है बेटा। तो दो साल के अंदर अपने पास में आता है फर्स्ट ईयर और दूसरा आता है सेकेंड ईयर, यहां पर भी आता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और तीसरा आता है बेटा थर्ड ईयर, तीन साल आते फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज, सेकेंड ईयर के अंदर परसेंटेज और थर्ड ईयर के अंदर परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में यहां बात करें तो अपन फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज, सेकेंड ईयर के अंदर परसेंटेज, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, यहां पर तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तीनों को मान के चलो अपने ऐड करते हैं तो यहां पर एक्स आता है, यहां पर एक्स आता है, इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के लिए यहां पर देखो दो ही साल अपने पास में है तो यहां को दो से डिवाइड कर दो तो एवरेज मान लो वाई आ जाता है यहां पर, ठीक है। यहां पर यदि अपन बात करें यहां पर एक्स है, इसमें कितने साल का ईयर काउंट किए अपन ने, थ्री, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा एक्स बटा थ्री, ये पर भी मान लो क्या आ जाता है वाई आ जाता है, दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं। यदि आपका डिप्लोमा कोर्स है तो आप इस हिसाब से परसेंटेज काउंट कर सकते हो और डिग्री है तो इस हिसाब से, तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और सेकेंड ईयर की परसेंटेज जोड़ो, ठीक है कि नहीं, उसका एवरेज निकाल लो मान लो वाई आया है। सेम चीज यहां पर करो, यदि आपके पास डिग्री है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की जो परसेंटेज है वो ऐड कर लीजिए और उसमें तीन से डिवाइड कर दीजिए तो आपके परसेंटेज आ जाएंगे। साथ में इसमें क्या कर दीजिए साहब, आप जो ये परसेंटेज आइए उसको क्या कर दीजिए, ट्वेल्थ की परसेंटेज इसमें ऐड कर दीजिए, दो का भाग लगा दीजिए। सेम काम अपने को यहां करना है, ट्वेल्थ की जो परसेंटेज है वो उसमें बेटा आप ऐड कर दीजिए और दो का भाग लगा दीजिए। ये आपको जरा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर भी अपन देख लेंगे इसको, तो एग्जांपल से सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी कि कैसे अपने को परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद में ये जो चीज आई है इसका आप 70% निकाल लीजिए, वही आपकी परसेंटेज होगी वैकेंसी के आधार पर, वही आपकी जो परसेंटेज यहां पर जो 70% निकालोगे आप इसके एवरेज के साथ में, वही आपकी क्या आएगी वैकेंसी के बेस पे परसेंटेज आएगी। वही सेम काम आपको यहां डिग्री के लिए करना है, वाई जो कि तीनों ईयर का एवरेज आया उसको यदि ट्वेल्थ की परसेंटेज ऐड करने के बाद में इसका अपन 70% यदि निकाल लेंगे तो ये आएगी बेटा वैकेंसी के बेस पे जो आपकी कट ऑफ रिलीज होने वाली है वो परसेंटेज आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये तो अपन ने देखा, पूरा परफॉर्मा देखा है कि यदि अपने को वैकेंसी के बेस पे यदि अपने को कट ऑफ अपनी निकालनी है, अपने को ये मालूम करना है कि मेरी जो कट ऑफ है या मेरी जो परसेंटेज है वैकेंसी के बेस पे वो कितनी बन रही है, तो वो यहाँ पर अपन ये एक परफॉर्मा अपन ने तैयार किया है। अब एग्जांपल के बेस पे अपन देखते हैं, यदि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो इसके अंदर ऐड होता रहेगा, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले डिप्लोमा का एग्जाम्पल अपन समझते हैं उसके बाद में डिग्री का एग्जाम्पल अपन समझेंगे। देखिए बेटा यदि मान के चलो डिप्लोमा की यदि अपन बात करें, डिप्लोमा की यदि अपन बात करें तो मान लो फर्स्ट ईयर चाहे वो आरटी हो चाहे एमएलटी हो दोनों के लिए बात कर रहे हैं बेटा अपन, फर्स्ट ईयर के अंदर मान के चलो आपकी जो परसेंटेज है वो 60% है, ठीक है। दूसरी यदि अपन बात करें सेकेंड ईयर के अंदर यदि आपकी परसेंटेज की अपन बात करें तो मान के चलो 70% है, ठीक है। तो सबसे पहले डीआरटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्या निकाल लो आप, एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए 60 + 70 और अपॉन क्या कर दो बेटा 2, ठीक है। तो आपके पास में देखो एवरेज जो निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा बेटा 130 / 2, तो
तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 65% आ जाएगा। ये कितना परसेंटेज आ जाएगा, 65%। ये आपकी एवरेज परसेंटेज आ गई किसके लिए, डिप्लोमा की। डिप्लोमा की आपकी क्या आ गई बेटा, एवरेज परसेंटेज आ गई। अब इस एवरेज परसेंटेज में आप क्या कर दीजिए, मान के चलिए आपकी जो ट्वेल्थ में परसेंटेज है वो 75% है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, 65% में क्या कर दीजिए, आप 75% ऐड कर दीजिए और 140, और ये 1 और 2 हो गए, ये आपकी एवरेज हो गई डिप्लोमा की और ये आपकी ट्वेल्थ क्लास की हो गई बेटा। तो आपकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 का भाग लगा दो और वो कितनी आ जाएगी, 70%। वो कितनी आ जाएगी बेटा, 70%। अब अपने को वैकेंसी के हिसाब से यदि क्या करना है, अपनी परसेंटेज निकालनी है कि सर मेरी वैकेंसी में जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी। तो वो कितनी बनेगी बेटा, देखो 70, इसका 70% पार्ट निकालना है वैकेंसी के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा, 70/70/100, ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी बेटा, 49%। आपकी वैकेंसी के हिसाब से जो परसेंटेज आएगी बेटा वो कितनी आएगी, वैकेंसी के हिसाब से आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 49%। अब यदि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र, यदि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 49+10, 59%, ठीक है। यदि आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी बनेगी 49+20, 69%। और यदि आपके पास में पूरे 3 साल का अनुभव है तो आपकी जो परसेंटेज आएगी बेटा वो जाएगी 79%। तो आपकी जो वैकेंसी की परसेंटेज होगी वो ये होगी बेटा, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, ठीक है। तो ये अपने पास में एक एग्जांपल के तौर पे अपन ने समझाया कि मान लो किसी के डिप्लोमा के अंदर परसेंटेज 60% है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 70% है, तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना आ गया, 130/65%। अब अपन बात करें ट्वेल्थ में यदि उसकी 75% है तो क्या आ जाएगा, 65+70% एवरेज ये डिप्लोमा की है, ट्वेल्थ की, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो अपने पास में जो परसेंटेज आई है आपकी वो कितनी आई है, 70%। अब वैकेंसी के हिसाब से अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वैकेंसी के हिसाब से इस 70% का 70% आप और निकाल लीजिए। तो वो मान के चलो आपके पास में कितना आ गया, ये अपन ने देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया है, कितना आया, 49%। तो 49% आया अपना अकेडमिक के अकॉर्डिंग, अपन ने जो अकेडमिक जो अपने डिप्लोमा किया उसके अकॉर्डिंग। अब यदि आपके पास में एक्सपीरियंस यदि है, सर्टिफिकेट यदि आपके पास में पड़ा है वो आप लगा सकते हो फॉर्म भरते टाइम, तो ये कितनी आ जाएगी, ये बढ़कर आपकी हो जाएगी 59, 69 और 79%। ये बात हो गई बेटा डिप्लोमा की। देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं डिग्री पे, डिप्लोमा की अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब डिग्री की यदि अपन बात करें तो देखिए मान के चलिए फर्स्ट ईयर की यदि अपन बात करें, डिग्री के अंदर जो परसेंटेज है वो 60% है, सेकेंड ईयर में यदि अपन बात करें तो वो 70% है, और यदि थर्ड ईयर की यदि अपन बात करें तो वहां पर मान लीजिए आपकी क्या है, 80% है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालिए बेटा। एवरेज निकालोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड और थर्ड ईयर, तो आप क्या कर दो उसमें 3 का भाग लगा दो, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, निकल के कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 70% निकल के आ जाएगी बेटा। तो ये आपकी क्या आ गई, डिग्री की एवरेज परसेंटेज आ गई बेटा। ये क्या आ गई आपके पास में, डिग्री की एवरेज परसेंटेज आ गई, ठीक है। मान लीजिए अब आपकी जो ट्वेल्थ में परसेंटेज है, आपकी जो ट्वेल्थ में परसेंटेज है वो 80% है, तो अब अपने को वैकेंसी के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास में देखो डिग्री की ये आ गई आपके पास में, तो डिग्री प्लस ट्वेल्थ क्लास, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए आप। तो देखिए इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 70% आपका डिग्री का आ गया, और आपके जो 12th में परसेंटेज है वो कितनी है, 12वीं क्लास में जो आपके परसेंटेज है वो 80% है। तो दोनों का एवरेज निकालने के लिए आपको 2 का भाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, 150/2। तो आपकी जो परसेंटेज निकल के आई है बेटा वो आई है 75% अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज निकल के आई है वो कितनी आई है, 75%। लेकिन अपने को पता है यहाँ पर अपन 70% प्लस 30% में डिवाइड करके चल रहे हैं,
भर्ती को, ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र से मिलेगा ये। तो बात करें इसका 70% अपने को लेना पड़ेगा, तो देखो क्या आएगा 75% इसका अपने को 70% लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 75 इसका 70% निकाल दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा देखिए बेटा अपॉन 10, तो आपकी जो परसेंटेज निकल के आई है 52.5% आई है बेटा, ये आई है आपकी वैकेंसी वाली परसेंटेज, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू वैकेंसी की एवरेज परसेंटेज आई है आपके पास में, और एग्जैक्ट जो परसेंटेज आएगी वैकेंसी की वो कितनी आ जाएगी 52.5% आ जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए आगे इस पर बात करते हैं, आपकी जो परसेंटेज आई है अकेडमिक के हिसाब से वो आई है 52.5% अकॉर्डिंग टू अकेडमिक कोर्स। मान के चलो आपके पास में अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी वैकेंसी के अंदर वो क्या होगी 52.5% होगी, 52.5% आपकी परसेंटेज इंक्लूड होगी भर्ती के अंदर। लेकिन यदि आपने मान के चलो इसमें क्या लिया है, अनुभव आपने लिया है, मैं यदि एक साल का अनुभव आपके पास है तो प्लस 10% हो जाएगी इसमें, तो आपकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 62.5%। अब यदि अपन बात करें मान के चलो आपके पास में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो उसमें 20% आप ऐड कर दीजिए तो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी 72.5%। और यदि आप बात करें थर्ड, यदि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है तो इसमें 30% ऐड कर दीजिए और आपकी परसेंटेज जो निकल के आएगी वो आएगी बेटा 82.5%, ठीक है। भर्ती के अंदर आपकी परसेंटेज इंक्लूड होगी, जो परसेंटेज मानी जाएगी वो मानी जाएगी बेटा ये वाली, जो एवरेज अपन ले रहे हैं ये एवरेज का 70% मानी जाएगी ये, और 30% अपने पास में कहाँ से आएगी बेटा अनुभव से आएगी ये, जिसमें यदि आपके पास में 1 साल का अनुभव है तो 10%, 2 साल का अनुभव है तो 20%, और 3 साल का अनुभव है तो 30% जो आपकी एवरेज परसेंटेज आई है 70 के अंदर से उसके अंदर क्या हो जाएगी वो इंक्लूड हो जाएगी। तो आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होगी बेटा वो इन नंबरों से डिसाइड होगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र है ऑब्वियसली उनको तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, ये अपन ने देख ही लिया। एक तो मान के चलो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो आपकी जो परसेंटेज रहने वाली है वो ये रहने वाली है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी भर्ती के अनुसार, और यदि आपके पास में 1 साल का भी अनुभव होता है तो आपकी परसेंटेज 10+ हो जाएगी। तो देखिए आप फर्क आपको नजर भी आ रहा होगा सीधा सीधा कि आपके पास में अनुभव नहीं है तो ये, तो जिन बच्चों की परसेंटेज है तो शायद उनको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अनुभव अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम 2 साल का इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि जो पिछले वाली भर्ती है उसको कंप्लीट हुए ओनली 2 साल हुए, तो इस वजह से मैक्सिमम यदि इस भर्ती के अंदर माने अपन तो वो 20% तक काउंट हो सकता है, क्योंकि 3 साल किसी भी स्टूडेंट को नहीं हुए होंगे अभी अनुभव की। तो इसमें 10% और 20% तो अपन यदि बात करें तो 20% अनुभव मैक्सिमम इसमें ऐड होगा तो भी परसेंटेज जो जाएगी वो 72.5% जाएगी, यदि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो, ठीक है। तो ये अपने पास में मेथड था वैकेंसी के हिसाब से कि अपन परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और जो अपनी कट ऑफ है वो कैसे कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो इस पर अपन ने डिस्कस किया है कि जो परसेंटेज है वैकेंसी के हिसाब से वो कैसे अपन निकाल सकते हैं, तो ये अपन ने देख लिया है। बाकी जब भी फॉर्म के एंड डेट आ जाएगी उस टाइम अपन जो कट ऑफ है उस पर भी वीडियो रिलीज करेंगे कि इससे पहले वाली जो भर्ती है उसके अंदर कितनी कट ऑफ गई है, वो भी अपन कैटेगरी वाइज करेंगे, उसमें रेडियोग्राफर के लिए अलग वीडियो लेके आएंगे और लैब टेक्नीशियन जो है उसके अंदर का जो वीडियो है वो आप अलग डिस्कस करेंगे। तो आप फॉर्म भरना, फॉर्म में जो मिस्टेक्स है वो आप कम से कम करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।